एक ग्रुप हमारे लोक गायकों का और कलाकारों का आया था, और बिल्कुल कोरोना के अंदर हमारे रागिणी गायक हों, हमारे बीन बजाने वाले हों, हमारे नगाड़े बजाने वाले हों जो पलवल के हैं, ये ग्रुप मेरे को मिला था। इसके ऊपर जल्द सरकार निर्णय लेगी। जैसे हमने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट किया है, हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैं इंश्योर करता हूँ कि फैसला हमारे इस लोक संस्कृति को आगे और मजबूत करेगा। सर्वोच्च चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? दोनों पार्टियों की चर्चा निरंतर हुई है, और जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा साझा कैंडिडेट मुरंदा के अंदर ये गठबंधन उतारेगा और मजबूती से उस सीट को जीतेगा। धन्यवाद सर। तैयारी में है सीएम साहब के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इंटरनल मैटर है, और मुझे लगता है कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ, सीएम खट्टर मना कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? और दूसरा, ये जयंती मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में पार्टी तरफ क्या कार्यक्रम रहेगा? 25 सितंबर को पूरे हरियाणा पर चौधरी देवीलाल जी के 107वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 108 यूनिट ब्लड ग्रुप प्रति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोरोना के अंदर आज एक जरूरियात भी है कि हम इस तरह के डोनेशन कैंप्स लगाएं, और साथ में त्रिवेणी लगाकर हर जिले के पूरे स्नेह और उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाएं। इसके अंदर जींद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, तमाम विधायक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर नई जो गठित कार्यकारिणी उनके साथ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी याद भी करेगी, उनके जितने स्टैचूज हैं पूरे हरियाणा में उनकी सफाई करना, वहाँ पर अमन कराना, ये कार्य को संपन्न करना। सीएम साहब हरियाणा कोविड काल में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी पेंडिंग पड़े हैं उन सब का रिव्यू भी किया है। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर जो हाई टेंशन की एक वायर उसको डिले करा रही थी, उसकी मूवमेंट की, और साथ में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ साथ प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग की ओर ले जाने का, साथ में जींद रोहतक जो नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुई उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। कल मैं आया तो बीच में कई ग्रामवासियों ने भी गांव के संबंध में अपनी समस्याएं रखी थी, रस्ते उसको कैसे निपटाए थे, और जो हमारे लेबर बोर्ड है उसके लिए अगर कोई जींद के आसपास स्पेस अवेलेबल हो तो उसका हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट करने का प्रपोजल हम सरकार की ओर से जींद से भिजवाएं कि इस इलाके के अंदर प्रगति बहुत तेजी से, साथ में क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य है 1 तारीख से, उसके अंदर जींद जिले की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से अलग अलग एजेंसीज को जो काम अलॉट होना है उसकी डिवीजन जल्द करेंगे। सर, सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए थे, इनको विपक्ष से वो विरोध कर लिया, क्या कहना चाहेंगे सर किसान सड़कों पे? आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले इन्हीं लोगों ने नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट बनाई, और एक समस्या इन अध्यादेशों के बाद हमारे सामने आई फार्मर की ओर से कि उसकी MSP सुनिश्चित रहे, और उसके अंदर केंद्र सरकार ने भी MSP बढ़ाई है, और प्रदेश सरकार ने हमने भी अश्योर किया है कि फार्मर को चाहे वो पैडी हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का, उसको MSP पूरी दी जाए। दूसरी समस्या आड़ती भाइयों की थी कि आज ओपन एक्सेस मार्केट के अंदर किसी तरह की भी मार्केट फीस नहीं है, उसको देखते हुए जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पैराफ्री है उसके अंदर रिडक्शन करी जाए, और जॉइंट मीटिंग के अंदर
सरकार ने ये फैसला भी ले लिया था कि जो पहले 4% मार्केट फी और सेस होता था मिलाकर, उसको आधा आधा परसेंट करके 1% किया जाएगा, जिससे दोनों फार्मर भी और आड़ती सिक्योर। अध्यादेश करने का ऐलान किया किसानों ने, क्या कहना? मैं तो सबसे यही आग्रह करता हूँ कि प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, पर उसकी सीमा कोई ना लाए। और दूसरी ओर पर जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि फार्मर की कहीं ना कहीं MSP को ख़त्म करने की, वो लोग जागरूक हो इस बात कि MSP जब केंद्र सरकार भी बढ़ा रही है और प्रदेश सरकार भी इंश्योर कर रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे रबी की और खरीफ की मेन फसलों को खरीदें, तो मुझे लगता है फिर किसी को भ्रमित होना है। सर, अभय चौटाला जी का बयान आया है कि अगर चौधरी देवीलाल जी का खून दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह के खून शरीर में बह रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते, किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, क्या आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं? और दूसरी चीज है, अगर चौधरी देवीलाल का खून रगों में है, इसलिए तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ MSP पे एक एक दाना हम खरीदेंगे। जिस दिन मैं ये इंश्योर नहीं कर पाऊंगा, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम। आज मेरी प्रायोरिटी फार्मर को उसकी फसल का दाम पूरा मिले, और दूसरी प्रायोरिटी कि पैसा किसान के खाते में। मुझे याद है कोरोना काल में जब गेहूं की परचेज थी, जब भी इस्तीफा मांग रहे थे, और जब किसान के खाते में पैसा गया, क्या किसान खुश नहीं हुआ? क्या आड़तियों की कोई दिक्कत आई? हम इंश्योर करेंगे कि फार्मर को उसके प्रोड्यूस का एक एक पाई पाई में। BJP के पूर्व जो विधायक हैं वो